वेलकम बैक टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर थ्री के पूरे 75 क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अमेजिंग लर्नर्स, आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल। वेलकम टू विजुअल नेट सीरीज। और आज हम करेंगे दिसंबर महीने का 2013 का पेपर, पेपर थ्री करेंगे। और ये वीडियो मैं 15 जुलाई 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पेपर थ्री में 75 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्तूपा इज कॉल्ड हर्मिका। देखा होगा स्तूप के ऊपर एक अंड भाग होता है गोल सा, फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक हर्मिका, फिर उसके ऊपर एक छतरी और ऐसे ही, और इसके नीचे प्रदक्षिणा पथ, मेहंदी, फिर बाहर तोरण द्वार। तो ये सारा स्तूप के हमारा क्या है, टर्मोलॉजीज है। तो हमारे जो हर्मिका है वो मैंने बता दिया, अंड के तुरंत ऊपर वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हर्मिका। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज नॉट ग्रीक स्कल्प्टर फॉर फोर्थ सेंचुरी बीसी। फोर्थ सेंचुरी बीसी का ग्रीक स्कल्प्टर फिडास नहीं है, बाकी तीनों हैं। और ये फिफ्थ बीसी का है, ठीक है, फिफ्थ सेंचुरी बीसी। थर्ड क्वेश्चन है, फेमस कुशान स्कल्प्चर ऑफ बोधिसत्व फ्रॉम मथुरा डेडिकेटेड बाय फियान बलाल इज हाउस्ड इन विच म्यूजियम। ये जो कुशान स्कल्प्चर है हमारा बोधिसत्व वाला, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आर्कियोलॉजी म्यूजियम सारनाथ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेयर द टेम्पल कॉल्ड तेली का मंदिर। तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है तेली का मंदिर। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सक्लूसिव डील विद इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर कौन सी बुक लिखती है, तो ये है विश्वकर्मीय शिल्प, ठीक है। विश्वकर्मा को तो वैसे ही आर्किटेक्टर कहा जाता है, और विश्वकर्मीय शिल्प, तो इससे आप जल्दी से पहचान सकते हो। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे सामने, वट वॉज द ओरिजिनल वर्ड यूज इन रिपब्लिक ऑफ प्लेटो फॉर इमिटेशन। इमिटेशन के लिए जो प्लेटो ने वर्ड यूज किया था वो था मिमिक सिम, ठीक है, बेसिकली कॉपी करने के लिए बोला था प्लेटो ने। और हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, हु इज एक्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस डायगोनल पर्सपेक्टिव फॉर रेनेसांस पेंटिंग। डायगोनल पर्सपेक्टिव के लिए जाने जाते हैं पाओलो उसेल्लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट हमारे सामने, कैरिकेचर ओनर डोमिर वॉज एसोसिएटेड टू विच आर्ट मूवमेंट। जो एनो डोमिन है, ऑनर डोमियर, वो किस आर्ट मूवमेंट से रिलेटेड थे, तो वो आर्ट मूवमेंट था रियलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, हु इज द स्कल्प्टर ऑफ गेट्स ऑफ हेल। गेट्स ऑफ हेल का जो स्कल्प्टर है वो है अगस्तस रोजिन। रोजिन ने इसको बनाया था 1880 से 1917 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा समय पीरियड गेट्स ऑफ हेल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग हुज पेंटिंग बियर अफिनिटी विद मंजीत बावा। मंजीत बावा की पेंटिंग से मिलती जुलती पेंटिंग किसकी थी, तो ये थी अर्पणा कौर की, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन है हमारे सामने, हुज पेंटिंग डिपिक्ट फोटो रियलिज्म। विकास भट्टाचार्य की जो पेंटिंग्स है, जैसे डॉल सीरीज वगैरह, तो उसमें आप देख सकते हो फोटो रियलिज्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर सेवरल बुक ऑन पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा बुक लिखने वाले MS रंधावा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच कलर मॉडल इज नेम्ड एज सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। देखिए, जो सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल कहा जाता है वो है हमारा CMYK, जिसका फुल फॉर्म है सियान मजेंटा येलो और क्रिप्टन ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डिवाइस दैट ब्रेक्स द ओरिजिनल कॉन्टिन्यूस स्टोन इमेज इनटू पैटर्न ऑफ डॉट्स। तो ये कौन सी डिवाइस है जिससे हम, यानी कॉन्टिन्यूस स्टोन से हम डॉट वाले टोन में आते हैं, तो ये है हाफ टोन, ठीक है, हाफ टोन में, जिसमें हम डॉट डॉट में प्रिंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने, फर्स्ट लीव एक्शन फिल्म विच वॉज कम्प्लीटली स्टोरी बोर्डेड। यानी कौन सी पहली फिल्म है जो पूरी, जो एक्शन फिल्म थी और स्टोरी बोर्डेड थी, तो ये है गॉन विद द वाइंड, ठीक है।
Question number 16 is, storyboard was developed in Walt Disney Studio in 1936, but graphically organized in form of, यानी सबसे पहले स्टोरीबोर्ड डिज्नी में 1930 में देखा गया यानी बनाया गया, और ये फॉर्म था इलस्ट्रेटिव इमेज जिसमें मूविंग यानी सीक्वेंस में इमेज लगाई गई थी और मूविंग थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेक्टराइजेशन रेफर टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। वेक्टराइजेशन क्या रेफर करता है, तो ये है हमारा रेस्टर टू वेक्टर, ग्राफिक की ओर वेक्टराइजेशन यानी रेफर करता है, और ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक नॉर्मल इमेज को वेक्टर बना सकते हैं, और वेक्टर जब एक इमेज बन जाती है तो आप उसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, वो ना ही पिक्सेलेट होगी ना ही उसके यानी पिक्सल फटेंगे। ठीक है, तो ये उसकी खासियत है, और ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन बिटवीनिंग हेल्प्स टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मोशन इन एनिमेशन आर द ड्राइंग्स बिटवीन। देखिए, जब हम एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो ऑफ कोर्स की बात है कि हम बहुत सारे फ्रेम का यूज़ करते हैं, और हर एक फ्रेम यानी एक एक इमेज होती है पर्टिकुलर, तो जो हमारी फ्रेम है वो की फ्रेम वाला रोल यहाँ पे अदा करती है टू क्रिएट इल्यूजन मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, अमोंग द फॉलोइंग हु इज नॉट स्कल्प्टर। यहाँ पे जो स्कल्प्टर नहीं है वो हमें बताना है। ग्रीस भट्ट एक स्कल्प्टर है, मृणालिनी मुखर्जी एक स्कल्प्टर है, बाला नंबियार ये एक स्कल्प्टर नहीं है। ठीक है, पी आर दरोज एक सेरेमिक स्कल्प्टर है। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए, पर यूजीसी ने यहाँ पे सही ऑप्शन डी दिया है, पी आर दरोज, जबकि ये एक सेरेमिक स्कल्प्टर है। ठीक है, सी होना चाहिए सही आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, विच मटेरियल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू क्ले। क्ले को स्ट्रेंथ देने के लिए हम यूज़ करते हैं हस्क। ठीक है, हस्क हो गया, ग्रोव हो गया, ये दो बहुत यानी अहम मटेरियल है टू गिव द स्ट्रेंथ ऑन साइड क्ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मलार आर्टिस्ट आर नोन फॉर देयर। देखिए, मलार आर्टिस्ट जाने जाते हैं मेटल कास्टिंग के लिए, और ये एक अपने रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑफ द फॉलोइंग विद फ्रॉम होम द वर्क ऑफ मीरा मुखर्जी इज इंस्पायर। मीरा मुखर्जी किसके वर्क से ज़्यादा इंस्पायर थे, तो वो इंस्पायर थी बेल मेटल आर्टिस्ट से। ठीक है, जो ये झारखंड की साइड थे वहाँ पर, ये एक स्पेसिफिक नाम बोला जाए तो बैतूल के मेटल आर्ट से बहुत प्रभावित थे मेटल आर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल ऑफ कास्टिंग। मेटल कास्टिंग के लिए हमें क्या यूज करना होता है प्योरीफाई करने के लिए, तो ये है बोरॉक्स। बोरॉक्स यूज किया जाता है मेटल को जब क्लीन करते हैं प्योरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द डांसिंग टोसो फाउंड फ्रॉम द मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। ये जो डांसिंग टोसो मिला था मोहनजोदारो से, ये बना हुआ है टेराकोटा का। ठीक है, और ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिखता है, और इसको डांसिंग टोसो की जगह नृत्य का यानी जो नटराज है वो भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, कृष्णा रेड्डी इज बिलोंग टू। कृष्णा रेड्डी बिलोंग करते हैं हैदराबाद से। कृष्णा रेड्डी आपको पता होगा इटलिया 70 के पार्ट थे जिन्होंने विस्कोसिटी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे सामने, इन प्रिंट मेकिंग फॉर विस्कोसिटी प्रोसेस व्हाट टाइप ऑफ सरफेस ऑफ ब्लॉक इज नीडेड। ऑफकोर्स ये बात है, मेटल का हमें सरफेस चाहिए विस्कोसिटी प्रिंट के लिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी एसिड वगैरह का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन प्रिंट मेकिंग एल्यूमिनियम प्लेट इज एच्ड बाय। एल्यूमिनियम की प्लेट को हम एकदम स्ट्रॉन्ग वाले एसिड से एच करते हैं, जो है नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वाटर इज कॉमन फैक्टर इन प्रिंटिंग इन। देखिए, वाटर कॉमन फैक्टर किसमें, लिथोग्राफी और ऑफसेट में है, बिल्कुल सही, ड्राई पॉइंट में नहीं है, ना ही सिल्क स्किन में है और ना ही लिनो कट में। इसमें ऑयल बेस्ड इंक लगते हैं तीनों में, तो लिथोग्राफी हमारा और ऑफसेट दोनों वाटर बेस्ड यानी कॉमन फैक्टर है इनमें, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इन सिल्क प्रिंटिंग व्हाट मेक्स द सरफेस फोटो सेंसिटिव। देखिए, जब हम सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं तो फोटो सेंसिटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वो है पोटाशियम डाइक्रोमेट।
इसको हम यानी एक अंधेरे कमरे में लगते हैं, फिर लाइट सेंसिटिव के यूज़ करके हम अपना फ़ोटो सेंसिटिव तैयार करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30, अमोंग फॉलोइंग हु इज़ नॉट अ प्रिंट मेकर। अब इनमें से हमें प्रिंट मेकर बताना है जो नहीं है। रेम्ब्रांड बहुत बड़े प्रिंट मेकर हैं, विलियम ब्लांक है, पेब्लो पिकासो है, थियोडोर जेरिकॉट नहीं है। ये एक रोमांटिसिज्म पेंटर है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इन एलिवेशन ऑफ ओरिशन टेम्पल। ओरिशन जो उड़ीसा के टेम्पल है उसके हमें उनके जो बनावट है उनके अनुसार लगाना है। तो ये जो आमला खापुरी कलश अर्ध है, इसका मैं एक नॉर्मल सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अक्का, ये याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले आएगा आमलक, फिर आएगा खापुरी, फिर कलश, फिर औध, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये चारों शब्द याद हो जाएंगे आर्किटेक्चर रिलेटेड, ठीक है, कलिंग का। तो ये है हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा, आमलक, खापुरी, कलश, औध, ठीक है। ये सीक्वेंस में ऐसे रहेंगे अक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सही सीक्वेंस को हमें चुनाव करना है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा धर्मराज्य का स्तूप। धर्मराज्य का स्तूप जो अशोक यानी मौर्य काल के समय का है, तो 3rd BC का है ये धर्मराज्य का स्तूप। फिर आएगा भाजा, भाजा गुफा 2nd BC की है। फिर आता है दुर्गा का आईहोल टेम्पल, और ये टेम्पल है 7th से 8th सेंचुरी के बीच का, ठीक है। फिर कोणार्क सन टेम्पल, यह आता है हमारा 1250, ठीक है। तो ये उसके हमें समय पीरियड आपको बता दिया, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द टेक्स्ट। जो ये पुराण है उनको हमें सही सीक्वेंस में लगाने। तो सबसे पहले हमारा आएगा अष्टाध्यायी, ये रहा डी में अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया 500 BC का ग्रंथ है, ठीक है। फिर आएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण, नारायण मुनि द्वारा लिखा गया और 6th सेंचुरी का ये। फिर आता है हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया और 7th सेंचुरी का है। फिर आता है कल्पसूत्र जो भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्क्स ऑफ पेब्लो पिकासो। पेब्लो पिकासो के काम को हमें सीक्वेंस में लगाने, वो भी क्रोनोलॉजिकल। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे ओल्ड गिटारिस्ट। ओल्ड गिटारिस्ट जो सबसे पहला है यानी माना गया है इन चारों में से, तो 1903 से 4 के बीच का बना हुआ है। फिर आता है लाविसे, लाविसे 1903 का है, ठीक है। फिर आएगा डेमिसस डी अवेग्नो, ये बना है 1907 में बनाया था पेब्लो पिकासो ने। फिर जो ये गुनी का है, गुनी का बहुत बड़ी वाली यानी स्पेस में बनाया था, यानी इसका साइज काफ़ी बड़ा है गुनी का। और ये एंटी वॉर पेंटिंग में आता है, ये बनाया था इसने 1937 के अंदर, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे सामने, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्कॉलर्स। स्कॉलर्स को हमें सही सीक्वेंस पे लगाना है। तो सबसे पहले आएगा पेरी ब्राउन। पेरी ब्राउन 1872 में जन्म हुआ है इनका, यूके के अंदर। फिर आते हैं ए एस स्वामी, मतलब आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी आपको पता है कि इंडिया के लिए इन्होंने कई सारे यानी चित्र वित्र खोजे। इनके जन्म 1877 में हुआ। फिर आएगी स्टेला कैम्ब्रिज जो 1896 में जन्म है जिसका। फिर आते हैं हमारे सुजैन हैलिंगटन। सुजैन हंटिंगटन का हमें यानी डेट ऑफ बर्थ साइट वगैरह पर नहीं मिला, बुक्स वगैरह में देखना पड़ेगा। जैसे मिलेगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने, चूज द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द आर्टिस्ट। अब हमें रिवर्स क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना, मतलब उल्टे समय के अनुसार लगाना है आर्टिस्टों को। तो सबसे पहले यहाँ पे नया वाला आएगा, तो सबसे नया वाला देखा जाए तो जैक्सन पोलॉक आएगा। जैक्सन पोलॉक जो अमेरिकन आर्टिस्ट है, पॉप आर्टिस्ट है, 1912 में इनका जन्म हुआ था अमेरिका के अंदर। और जॉर्ज बराक आएंगे फिर इसके बाद, जो 1882 में फ्रांस के अंदर जन्मे थे। फिर आएंगे गुस्ताव कॉर्बेट जो एक फ्रांस के कलाकार हैं, और 1819 में इनका
जन्म हुआ था। फिर आएंगे थियोडोर जेरिकोट जो एक रोमांटिक कलाकार है और फ्रांस का जन्म है इनका 1791 का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ फैक्ट्स और एकदम सही सीक्वेंस लगा है यहाँ पे हमारा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्राउंड प्लान इन टेंपल आर्किटेक्चर। टेंपल आर्किटेक्चर में हमें ग्राउंड प्लान को सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आएगा हमारा सोपान, सोपान के बाद आएगा हमारा मंडप, मंडप के बाद आएगा हमारा अंतराल, अंतराल के बाद आता है हमारा गर्भगृह जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है। तो यही हमारा यानी सही लग रहा है, तो 37 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे सामने। सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस इन लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का अब हमें सही सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा कि ग्राइंडिंग होती है, लिथोस्टोन को घिसा जाता है अच्छे से ईवन बनाने के लिए, और पिछला जो प्रिंट रहना जाए इसलिए अच्छे से ग्राइंड किया जाता है। फिर हम उसके ऊपर करते हैं सरफेस क्लीनिंग, और उसके बाद करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग के बाद अप्लाई करते हैं हम इंक, अरेबिक गम, एंड देन वी कैन गेट आवर प्रिंट। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने है। सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फेमस प्रिंट मेकर। प्रिंट मेकर को हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है यानी समय के अनुसार। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा माइकल बोल्गमर जो एक जर्मन कलाकार है, 1434 में इनका जन्म हुआ। इसके बाद आएंगे ओट्रीवा लियोनी जो 1578 इटली में जन्म हुआ, और ये भी एक प्रिंट मेकर है। रेम्ब्रांड को तो सभी जानते हो 1606, और ये नीदरलैंड में जन्म हुआ था और ये डच आर्टिस्ट है। विलियम होगार्थ आते हैं इसके बाद जो 1697 में यूके के अंदर जन्म हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे सामने। सेलेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्कल्प्टर। अब हमें जो स्कल्प्टर्स हैं जो मूर्तियां हैं उनको यानी लगाना है सीक्वेंस के अनुसार। तो सबसे पहले मुख अभ्यास आएगा, फिर श्रृंगार आएगा, फिर टॉयलेट आएगा, टॉयलेट बनाया था शंकर चौधरी ने, फिर आएगा दबुल, दबुल बनाया था धनराज भगत ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द स्कल्प्टर। स्कल्प्चर्स के हमें यानी करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं। तो यूजीसी द्वारा ये आंसर दिया गया है जिसमें अजीत चक्रवर्ती को सबसे पहले बताया गया, फिर एम धर्ममानी, फिर राघव कनेरिया, फिर जे जे नरजहरी। और जे जे नरजहरी का एक वर्क हमें एनजीएमए में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है। सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटल कास्टिंग ऑफ होलोकास्ट वैक्स इमेज। होलोकास्ट वैक्स इमेज में हम पहले अपना मेकिंग मॉडल यानी मॉडल बनाते हैं, मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बनाने के बाद हम थोड़ा सा फिक्स या जो रनर्स होते हैं उसे फिक्स करते हैं, फिर उसको फायरिंग द मोल्ड करते थे, मोल्ड को फायरिंग कर देते जिससे वैक्स पिघल जाती है, एंड ऊपर हम जो हमारा मेटल का एलॉय होता है जो पिघला हुआ होता है उसे फिल कर देते हैं, और फिल करने पे यानी जो मोम तो यानी चली जाती है फायरिंग के दौरान, फिर मोम की जगह हमारी ब्रोंज व्रोंज वहाँ पे बैठ जाती है। ठीक है, तो यही हमारा पूरा प्रोसेस होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइपोग्राफर। टाइपोग्राफर के हमें समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले जॉन बास्करविले आएगा। बास्करविले ने बहुत सारे फोन बताए थे यानी मैंने बताए थे बनाए थे, तो इनका जन्म 1707 यूके के अंदर हुआ था। फिर इसके बाद आते हैं जाम बितिस्ता बोडोनी, इसका जन्म 1740 में हुआ और इटली का रहने वाला ही है। तो और ये बोडोनी फोन बास्करविले ने, जॉन बास्करविले, जोम बतिस्ता बोदोनी, ठीक है, तो इनके सरनेम पे फोन है तो आपको आसानी हो जाएगी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो। विलियम कास्लोन का जन्म हुआ 1692 में, यूके के अंदर ही हुआ इनका भी जन्म। और फिर एडवर्ड बैंगवर्ट, एडवर्ड बैंगवर्ट का जन्म 1927 यूएसए में। ठीक है, तो ये कुछ डेट थी जिससे हमें सीक्वेंस जल्दी से पता चल जाता है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। अब पब्लिकेशन के अनुसार हमें यहाँ पे सीक्वेंस लगाना है। तो बेसिकली क्या होता है, एक विजुअल आर्ट का स्टूडेंट
पब्लिकेशन पर थोड़ा सा कम फोकस रखते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर फ्यूचर आता है तो सेम तो रिपीट होगा नहीं। तो जो हमारे रिसेंट के जो है, जो बड़े बड़े यानी पब्लिशर्स हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स मैगजीन और बहुत सारी ऐसी पब्लिकेशन है, उनका आप एक फाउंडिंग जो सन है वो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे डी आंसर होगा, प्लेबॉय सबसे पहले आए, फिर एस्क्वायर, फिर टाइम, फिर लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। अब एडवर्टाइजिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेटेजी है मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर हम मीडिया सिलेक्शन करते हैं कि किस मीडिया के थ्रू हम अपने टारगेट कर सके ऑडियंस को। फिर उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिव प्लानिंग चलती है, और लास्ट में लोगों से बोला जाता है कि फीडबैक दीजिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, चेन होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे सामने, असर्शन कहता है, इन इंडस वैली आर्ट एप्लिक मेथड वाज यूज वेगुली टू प्रिपेयर टेराकोटा। जो एप्लिक मेथड है वो यूज़ किया जाता था टेराकोटा बनाने के लिए। तो ये वाला असर्शन है जो हमारा सही है। रीज़न दिया जा रहा है, बिकॉज बाय द टाइम मोल्ड वर नॉट इन्वेंटेड। तो ये गलत है, मोल्ड इन्वेंट हो चुका था, लॉस्ट वैक्स का वो यूज़ किया करते थे, पूरा प्रोसेस था उनका। तो 46वें का असर्शन सही है, रीज़न हमारा गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन कहता है, ड्यूरिंग द पाल पीरियड टेराकोटा आर्ट इन ईस्टर्न इंडिया रीच्ड टू कल्मिनेशन। रीज़न दिया जा रहा है, बिकॉज मैलेबल क्वालिटी ऑफ क्ले प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ प्लास्टिक रेंडरिंग एंड पॉसिटी ऑफ द स्टोन फर्दर यूज ऑफ क्ले। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही है। जो पाल पीरियड के दौरान ईस्टर्न इंडिया में, जैसे ये बंगाल वाला एरिया हो गया, बिहार वाला हो गया और उड़ीसा वाला हो गया, ये पूरा एरिया था जब जहाँ पर पाल चली, विकसित हुई अच्छे से, और यहीं पर टेराकोटा की जो मूर्तियाँ भी बनी और पेंटिंग्स भी बनी पाल शैली की। तो ये उसी के नहीं बताया जा रहा है, और वहाँ पे क्ले जो थी लोकल अवेलेबल वो उसका यूज़ किया गया। तो वहाँ पे हमारा असर्शन रीज़न दोनों सही है, हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और आर इज पार्शली करेक्ट, यानी आर करेक्ट है बट असर्शन क्या रीज़न नहीं है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन कहता है, इमेजिनेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ आर्ट। जो इमेजिनेशन है वो बहुत बड़ा एसेंशियल यानी एलिमेंट है टू क्रिएट आर्ट, जो बिल्कुल सही है, असर्शन हमारा सही है। रीजन देखते हैं, इमेजिनेशन इज फैकल्टी ऑफ माइंड विच ट्रांसफॉर्म आइडिया एंड फीलिंग इनटू विजुअल इमेज। तो रीज़न भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो बोथ आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, असर्शन कहता, मंजीत बावाज फिगरेशन सीम्स टू बी बोथ एन असर्शन ऑफ ट्रेडिशन एज वेल एज इट्स नेगेशन। जो मंजीत बाबा के काम में, जो फिगरेटिव वर्क में ट्रेडिशन और नेगेशन दोनों का प्रभाव दिखता है, बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज ही हैड अ विलेज बैकग्राउंड एंड एथिक प्री ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर ये वाली लाइन गलत हो जाती है। ठीक है, मंजीत बाबा थोड़े मॉडर्न ख्याल के थे, तो हमारा असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। क्वेश्चन नंबर 50, असर्शन कहता है, गुर्निका इज एन अग्नोस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ पैब्लो पिकासो रिजल्टिंग फ्रॉम स्पेनिश सिविल वॉर। ये सिविल वॉर पे बनाया था पैब्लो पिकासो ने, जो उसका एक एक्सप्रेशन था, जो बिल्कुल सही है, असर्शन यहाँ पे सही है बिल्कुल। रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज ही लॉस्ट हिज मैनी डियर फ्रेंड इन दिस वॉर। तो ये रीज़न हमारा गलत हो जाएगा, वो सोसाइटी को मैसेज देने के लिए पेंटिंग बनाई थी, बट उनके जो दोस्त थे, जो नियर डियर थे, वो उनको कुछ सिविल वॉर में कुछ क्षति नहीं पहुंची थी। तो हमारा असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, असर्शन कहता है, पॉप आर्ट शेफली इंक्लूड सिनेमा सेक्स एंड कॉस्मिक स्ट्राइप। बिल्कुल सही, पॉप आर्ट में ये सारे मिलते हैं हमें। रीज़न दिया जा रहा है, बिकॉज इट्स बेसिक इंटेंशन इज टू अपील द इंस्टिंक्ट एंड अटेंशन ऑफ कॉमन मास। बिल्कुल सही, अटेंशन और अट्रैक्शन के लिए सारा काम किया जाता है, बेसिक इंटेंशन यही होता है। तो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों
सही है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, सर्शन कहता है इन सेरीग्राफी सिल्क क्लॉथ इज यूज फॉर टेकिंग प्रिंट्स। सिल्क स्किन में प्रिंट यानी सिल्क के थ्रू प्रिंट होते हैं, तो बिल्कुल सही है सर्शन। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज वेरी फाइन पोर्स ऑफ सिल्क फैब्रिक अलाउ द इंक पेंट टू बी ट्रांसफर ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम। ये रीजन भी बिल्कुल सही दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 असर्शन कहता है ओवर द पैटर्न ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस अ शीट ऑफ फेल्ट इज यूज्ड। जो प्रिंटिंग प्रेस की जो मशीन है उसके ऊपर फेल्ट शीट यूज की जाती है। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज फेल्ट शीट सर्व द पर्पस ऑफ कुशन फॉर पेपर फॉर बेटर इंप्रेशन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही रीज़न और बिल्कुल सही असर्शन कहा गया है कि जब हम प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करते हैं तो फेल्ट शीट का यूज़ करते हैं, जिससे यानी जो प्रिंट आता है वो एक पेपर पर यानी कुशन का काम करता है और यानी मशीन के ऊपर रखा होता है। तो बिल्कुल सही है, बहुत बार करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, असर्शन कहा जा रहा है हीरोग्लिफिक्स इज फाउंड ऑल ओवर द इजिप्शियन टेंपल पिलर्स पैलेस एक्सेट्रा। हीरोग्लिफ्स इजिप्ट के हर एक टेंपल दीवार वगैरह पे मिलते हैं, खंबे पे, बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज इट वॉज यूज फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था, पढ़ाई के लिए भी यूज़ किया जाता था, मैसेज के लिए भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो हमारा रीज़न और असर्शन वैसे दोनों सही है, तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 असर्शन कहता है स्टोन वेयर इज फायर्ड ऑन हाई टेम्परेचर देन द बेकिंग टेराकोटा। यानी जो स्टोन वेयर्स होते हैं उसको बड़े ही हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है टेराकोटा की कंपैरिजन में, जो बिल्कुल सही बात है। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज हाई टेम्परेचर टर्न सिलिका इंटू वर्टिफाइड कंडीशन विच मेक्स इट हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग। हार्डर और स्ट्रॉन्ग के लिए इसे इतना तपाया जाता है, जो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 असर्शन कहता है राकू इज मेड ऑफ कोर्स ग्रेन क्ले कंटेनिंग लॉट्स ऑफ ग्रोज एंड सेंट पर्टिकुलर। जो राकू होता है वो सिरेमिक से रिलेटेड होता है, ध्यान रखना। और इसमें अगर ग्रोज और सेंट मिला देते हैं, ग्रोज से हमें स्ट्रेंथ मिलती है और सेंट से टेक्स्चर। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज इट गिव्स डिजायरेबल टेक्सचर फिनिश एंड स्ट्रेंथ। रीजन और असर्शन दोनों हमारा सही है, तो हमारा हो जाएगा बोथ आर करेक्ट, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है असर्शन कहता है सेल्डन इज अ टर्म फॉर सेरामिक डिनोट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कलर एंड ग्लेज। जो सेल्डन जो टर्म है जो शब्द है वो कलर और ग्लेज को दर्शाते हैं, बिल्कुल सही। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड स्प्रेड साउथ कोरिया। ये बिल्कुल सही है, असर्शन और रीजन दोनों यहाँ पे सही है, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे सामने। असर्शन कहता है रेफरिंग टू टाइप सेरिफ आर अपेंडेज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ रोमन लेटर। बिल्कुल सही कहा गया, जो जो रोमन लेटर्स होते हैं उसके थोड़े से किनारे हमें आपको दिखेंगे बॉटम से और टॉप पे हल्के से निकले हुए, ठीक है। तो जो वही सेरिफ होता है वही रोमन टाइप होता है। रीजन क्या जा रहा है, सेरिफ टाइप्स वर प्री असम्बलेज ड्राइव फ्रॉम चीजल मार्क लेफ्ट आफ्टर लेटर्स वर कट इनटू स्टोन। जब इसका यानी खोजा गया सेरिफ फॉन्ट को, तब पत्थर पे कार्व करते समय ये हल्का हल्का सा यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे कट सा गया था, जिससे यानी फॉन्ट का यानी आइडिया आया कि ये भी एक डिज़ाइन का फॉन्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसका इंस्पिरेशन कह सकते हो आप या कुछ भी, तो वो वहीं से आया, ठीक है। तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 असर्शन कहता है कंप्यूटर इज अ टूल लाइक ए कैमरा वर्क बेस्ट इन हैंड्स फॉर डिजाइनर विद नॉलेज ऑफ एंटायर ग्राफिक प्रोसेस। बिल्कुल सही, जो कैमरा होता है एक टूल होता है कैमरा जैसा,
were best in hand of designer with knowledge of entire graphic process. बिल्कुल सही रीज़न कहा जा रहा है, हैंस थिंकिंग बिफोर डिजाइनिंग एंड कमिंग अप विथ आइडिया इज नो मोर इम्पॉर्टेंस पार्ट ऑफ प्रोसेस. तो रीज़न हमारा बिल्कुल गलत है, बेहद गलत रीज़न दिया जा रहा है यहाँ पर कि अगर आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो रीज़न बिल्कुल गलत है. असर्शन हमारा सही है, तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है. ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 60, असर्शन कहता है आवर वर्ल्ड इज अ मोर विजुअल प्लेस देन एवर बिफोर एंड टुडे रीडर रिस्पॉन्ड मोर टू पिक्चर देन टू वर्ड्स. बिल्कुल सही बात किया जा रहा है. अगर आपको यानी पिक्चर्स दिखाई जाए वर्ड के साथ तो आप उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे. अगर आपको सिर्फ वर्ड्स दिया जाए पढ़ने के लिए तब आपका इंटरेस्ट कम से कम 50% तक घट जाता है. और वही बात यहाँ पर कही गई है जो बिल्कुल सही है असर्शन में. रीज़न दिया जा रहा है प्रिंटेड मटेरियल दैट लेक अन इलस्ट्रेशन मस्ट फेल टू मेक एन इम्प्रेशन ऑन टूडेज ऑडियंस. रीज़न बिल्कुल सही है और असर्शन से मिलता है. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपको बिना पिक्चर का कोई टेक्स्ट दिया जाए तो आप उसको पढ़ने के इच्छुक बिल्कुल नहीं होंगे. बट आपके यानी अगर आपने उसे पढ़ लिया और उसका यानी चित्र भी देख लिया तो वो आपकी चीज़ काफ़ी अच्छे तक माइंड में बैठेगी और आप इंटरेस्ट भी लेके आगे उसे पढ़ोगे. तो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हमारे इलस्ट्रेशन विजुअल एलिमेंट से क्रिएट किए जाते हैं. तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट है 60 का, और यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 61 है, मैच द फॉलोइंग. टेराकोटा आर्टिस्ट हमारा हेनरी मूरे हो जाएगा. अक्वाटिक फॉर्म इन मार्बल जीन आर्प, स्पॉन्टेनियस इन स्कल्पचर ये आएगा हमारा रोडिन, और काइनेटिक स्कल्पचर नाम गाबो. ठीक है, ये आ जाएगा नाम गाबो काइनेटिक स्कल्पचर के अंदर. तो हमारा हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला. तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 62, मैच द फॉलोइंग. एब्सिडल प्लान दुर्गा मंदिर आई होल का, खागरा टाइप बेतुल देउल, दुगावा स्तूपा है श्रीलंका के अंदर, और डबल डोम हुमायूं टॉम का फेमस है. डबल डोम बेसिकली पर्शियन स्टाइल होता है डोम बनाने का, ठीक है, आपने देखा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ए का दूसरा, बी का पहला, दूसरा पहला हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 62 का. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग. अलेक्जेंडर कनिंगम जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे भारत के सबसे पहले, फिर आएंगे अर्नस गॉम्ब्रिज ये आर्ट हिस्टोरियन थे, फिर सुजैन लेंगर जो एस्थेटिक्स थे, सुजैन लेंगर एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्रवादी, ठीक है एस्थेटिक, रोजर फ्राई आएंगे हमारे फॉर्मलिज्म में, इन्होंने फॉर्मलिज्म की थ्योरी दी थी. तो हमारा डी का पहला. क्वेश्चन नंबर 64 है, मैच द फॉलोइंग. सैलोन दे रिफ्यूज है. सैलोन दे रिफ्यूज आपको पता होगा जब पेंटिंग रिजेक्ट कर दी गई थी क्लॉड मॉनेट और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों की, फिर इम्प्रेसिज्म चला था. तो ये वर्ड बहुत चला था सैलोन दे रिफ्यूज है, मतलब आर्टिस्टों की पेंटिंग रिजेक्ट कर दी गई, और ये था फ्रांस से निकला शब्द. फिर आते हैं बाहुआस जो जर्मनी का है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, डेकोरेशन से रिलेटेड है, ठीक है. फ्लक्सिस आता है हमारा यूनाइटेड स्टेट से रिलेटेड, और ब्लूम्सबर्ग ग्रुप इंग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये सारा हमारा हो गया दो चार तीन, ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग. म्यूरल जॉन मीरो के काफ़ी फेमस है. प्रिंट मेकिंग में पालानी अप्पन के काम दिखेंगे आपको. एडवर्टाइजिंग में प्रसून जोशी आएंगे, और स्कल्पचर राघव कनेरिया आएंगे, ठीक है. तो ये हो गए हमारे सारे सीक्वेंस, 3 4 2 1 3 4 2 1, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 66 है, मैच द फॉलोइंग. रघुराय फोटोग्राफी से रिलेटेड है, जय स्वामीनाथन हमारी पेंटिंग से रिलेटेड है, और सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, गुरुचरण सिंह सेरामिक से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये हमारे सही सीक्वेंस लग गए, तीसरा पहला, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग स्कल्पचर विद देयर वर्क्स.
मूर्तिकारों को उनके काम से लगाना है। हेनरी मुरे का यहाँ पर रिक्लाइनिंग फिगर आएगा। रॉडिन का आ जाएगा द किस, और ये स्कल्पचर है सारे, ठीक है। जियोकोमती बाला का आएगा यहाँ पर वुमेन ऑफ वेनस, और फिर लास्ट में ब्रांकोसी का स्लीपिंग म्यूज, ठीक है। स्लीपिंग म्यूज एक ऐसा बुद्धा सा बना रखा है, लेटा सा, ये लंबा सा फेस है उसका, ठीक है। और जियोकोमती रॉडिन वाला किस आप देखना है ऐसे, यानी दो पत्थर को ऐसे जोड़ा हुआ दिखाया हुआ है, अजीब सा लगता है, यानी लगता ही नहीं कुछ ऐसा फीलिंग। तो ये था हमारा 67 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैच द फॉलोइंग। रेमेकर सेरामिक से रिलेटेड है, ठीक है, और सीमा कोहली पेंटिंग से रिलेटेड है, पंकज पवार स्कल्पचर से रिलेटेड है, और पी डी धूमिमल हमारे ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा हो गया सीक्वेंस ए का चौथा, तीसरा और बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारे सामने, मैच द फॉलोइंग। लिंसिड ऑयल हम पेंटिंग के लिए यूज करते हैं जब हम ऑयल पेंटिंग वगैरह करते हैं। रेजिन हम प्रिंट मेकिंग में यूज करेंगे, क्योंकि जो रेजिन है एक्वाटिंट में के लिए यूज होता है। ग्रोज हम सेरामिक में यूज करते हैं, टू स्ट्रॉन्ग इट्स स्ट्रेंथ टू मेक इट स्ट्रेंथ। पतीना होता है ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए, तो मेटल स्कल्पचर के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा सही सीक्वेंस, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1 हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, मैच द फॉलोइंग। कॉपर प्लेट हम मेजोटिंट के लिए यूज करते हैं जब हम रोकर की सहायता से बहुत सारी लाइन वगैरह खींचते हैं। फिर आता है स्टोन, स्टोन हम लिथोग्राफी का जो स्टोन होता है वो यूज करते हैं। क्लॉथ हम यूज करते हैं सेरीग्राफी में, जिसे सिल्क स्क्रीन भी कहा जाता है। और रेजिन हम यूज करते हैं एक्वाटिंट इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2, 4, 1, 2, 4, 1 ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग। सैंड हमारा स्टोन है, मेटल हमारा रेजिन के अंदर आएगा जब हम एक्वाटिंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। पतीना हमारा ब्रोंज से रिलेटेड है जब हम पेंट करते हैं ब्रोंज को। क्ले हमारा पोटरी से रिलेटेड है क्योंकि वो बेस है क्ले। तो हमारा ए का पहला, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, मैच द फॉलोइंग। पेपर के अंदर हमें ग्रेन मिलेंगे, इंक हमें टैक्टीनेस होती है ग्रीन में, यानी चिपचिपापन। फिल्म एंड टीवी का एक एस्पेक्ट रेशियो होता है, ठीक है। और ब्रांड इमेज में तो यानी एड एजेंसी जो ओगिलवी के नाम से फेमस है। तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैच द फॉलोइंग। रबर ब्लैंकेट हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा जो प्रिंट है वो बिल्कुल एज इट इज आए, कोई रिवर्स वगैरह ना आए। स्क्रैपर बोर्ड हम न्यूज़पेपर के लिए यूज करते हैं। 35mm फॉर्मेट हमें टीवी कमर्शियल की ओर ले जाता है, जिसमें हमें एक एस्पेक्ट रेशियो का पता चलता है जो 2:3 का होता है, ठीक है। मैग्नेटिकली सेंसिटिव केमिकल कोटिंग हमें फिल्म साउंड एंड ट्रैक में मिलती है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2, 1, 3, 4 2, 1, 3, 4 हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मैच द फॉलोइंग। लाइट टेबल एंड पेंसिल ऑन पेपर, ये हमें कब चाहिए होते हैं? ये हमें ट्रेडिशनल ड्रॉन एनिमेशन के लिए चाहिए होते हैं, जब हम एकदम सब कुछ हाथ से बना रहे होते हैं एनिमेशन के लिए। और फिर आता है कैमरा, कैमरा आता है हमारे कैमरे के अंदर एक फीचर होता है डेप्थ ऑफ द फील्ड, मतलब जैसे आप मेरे से 50 मीटर की दूरी पर हो और कोई पेड़ या दूसरी चीज़ 100 मीटर की दूरी पर है, तो वो दूर वाली चीज़ ज़्यादा ब्लर दिखेगी और आप ज़्यादा फोकस दिखोगे, तो उसको कहते हैं डेप्थ ऑफ द फील्ड। और हमारा सी है एक्स हाइट, हमें एक्स हाइट हमें टाइपोग्राफी में देखने को मिलती है, जैसे आप एक ऊपर लाइन लेते हो नीचे वाली लाइन लेते हो और उसी के अंदर अपना टेक्स्ट लगाते हो, तो उस हाइट को आप एक्स हाइट कह सकते हो। एनिमेटिक हो गया हमारा, टेलीविजन में जो स्टोरी बोर्ड वाले होते हैं वो एनिमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा 2, 4, 1, 3
दो चार एक तीन, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पेपर थ्री के पूरे 75 क्वेश्चन। एक नॉलेजेबल वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ, एंड यू आर एन अमेजिंग लर्नर। तो देखिए, अब पहले तो जाके सबसे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और विजुअल नेट का पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है। और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो, या आप सीरियस हो कि सर मैं करना चाहता हूँ, तो उनके लिए मेरा ये पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं यानी बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, लाइक क्वेश्चन पेपर, नेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है और नोट्स मिलते हैं, एक एक कोचिंग मिलती है, और रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी होती है जिसमें आर्टिस्ट और उसके वर्क और सबको डिस्क्राइब किया जाता है, उस ग्रुप का पार्ट आप बनोगे उस पेड ग्रुप में, और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।